मडुआ खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे। ये था उत्तराखंड राज्य प्राप्ति आंदोलन का नारा। हाय फ्रेंड्स, आज के इस सत्र में हम जानेंगे उत्तराखंड राज्य प्राप्ति आंदोलन के शहीदों को। इसके अंतर्गत हम समझेंगे पौड़ी की क्रांति, खटीमा गोलीकांड, मसूरी गोलीकांड, रामपुर तिराहा गोलीकांड जिसे मुजफ्फरनगर गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा 3 अक्टूबर 1994 को घटित देहरादून, कोटद्वार और नैनीताल की घटना में शहीद आंदोलनकारियों को भी जानेंगे। और अंत में समझने की कोशिश करेंगे 10 नवंबर 1995 को घटित षड्यंत्र टापू कांड को। ये सत्र आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप सत्र को धैर्य के साथ समझने जानने की कोशिश कीजिएगा। चलो प्रारंभ करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को। आपको एक पोस्टर दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा गया है बाड़ी मडुआ खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे। उत्तराखंड राज्य प्राप्ति आंदोलन के संघर्ष के दौर में यह एक सुप्रसिद्ध नारा था जिसका राज्य आंदोलनकारी बार बार आह्वान करते थे। अब हम जानते हैं 8 अगस्त 1994 को घटित पौड़ी की क्रांति के बारे में। पौड़ी की क्रांति को उत्तराखंड राज्य आंदोलन की नींव माना जाता है। इसमें एक व्यक्ति शहीद हो गए थे जिनका नाम था जीत बहादुर गुरंग। तो आपको ध्यान रखना है कि पौड़ी की क्रांति 8 अगस्त 1994 को घटित हुई थी जिसमें एक व्यक्ति शहीद हुए थे, उनका नाम था जीत बहादुर गुरंग। इसके उपरांत 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ। इस कांड में कुल 8 लोग शहीद हुए जिनके नाम मैंने यहाँ पर दिए हैं, प्रताप सिंह, भुवन सिंह, सलीम अहमद, भगवान सिंह सिरोला, धर्मानंद भट्ट, गोपी चंद, परमजीत सिंह और रामपाल। ये 8 लोग 1 सितंबर 1994 को खटीमा में घटित गोलीकांड में शहीद हो गए थे। तो आप इन्हें ध्यान में रखिएगा, ये कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। खटीमा गोलीकांड के विरोध में 2 सितंबर 1994 को मसूरी में लोग इकट्ठा हुए, लोगों ने खटीमा गोलीकांड के विरोध में प्रदर्शन किए और इस प्रदर्शन में 8 लोग शहीद हो गए जिसे मसूरी गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। तो मसूरी गोलीकांड हुआ था 2 सितंबर 1994 को, इसमें 8 लोग शहीद हुए जिनमें 2 महिलाएं थीं, श्रीमती बेलवती चौहान और श्रीमती हंसा धनाई। इन 2 महिलाओं का नाम बार बार पूछा जाता है। ये 2 महिलाएं मसूरी गोलीकांड में शहीद हुई थी। इसके अतिरिक्त राय सिंह बंगारी, धनपत सिंह, मदन मोहन ममगाई, बलबीर सिंह नेगी, उमा शंकर त्रिपाठी जो कि पुलिस उपाधीक्षक थे और जुट्टू सिंह जिन्हें गुड्डू के नाम से भी जाना जाता था, ये लोग शहीद हो गए थे। तो खटीमा गोलीकांड के विरोध में मसूरी में लोगों ने प्रदर्शन किया, धरना दिया और भीड़ बेकाबू हुई जिसमें हिंसा हो गई और मसूरी गोलीकांड हुआ जिसमें कुल 8 लोग शहीद हुए जिनमें 2 महिलाएं थीं, श्रीमती बेलमती चौहान और श्रीमती हंसा धनाई। तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। इसके उपरांत 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर में गोलीकांड हुआ जब लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में उत्तराखंड आंदोलन के लिए जा रहे थे। उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए आंदोलन हेतु बसों में पहाड़ी क्षेत्रों से, मैदानी क्षेत्रों से दिल्ली जा रहे थे। तो 2 अक्टूबर 1994 की मध्य रात्रि को रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर में भीड़ को रोका गया और वहां पर हिंसा हुई जिसमें 6 लोग शहीद हो गए थे। इस कांड को रामपुर तिराहा कांड या मुजफ्फरनगर गोली कांड के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो 6 लोग शहीद हुए थे उनके नाम थे रविंद्र रावत, गिरीश कुमार भद्री, सत्येंद्र सिंह चौहान, सूर्य प्रकाश थपलियाल, राजेश लखेड़ा और अशोक कुमार कोसिव। ये 6 लोग 2 अक्टूबर 1994 को घटित रामपुर तिराहा यानी मुजफ्फरनगर गोलीकांड में शहीद हुए थे, इन्हें आप ध्यान में रख लीजिए। इसके पश्चात जो मुजफ्फरनगर गोलीकांड हुआ यानी रामपुर तिराहा गोलीकांड हुआ उसके विरोध में देहरादून में, नैनीताल में प्रदर्शन हुए।
3 अक्टूबर 1994 को देहरादून में गोलीकांड हुआ जिसमें 4 लोग शहीद हो गए, राजेश रावत, दीपक वालिया, बलवंत सिंह जगवान और जयानंद बहुगुणा। ठीक है, मुजफ्फरनगर जिसे रामपुर तिराहा गोलीकांड कहते हैं उसके विरोध में 3 अक्टूबर 1994 को देहरादून में प्रदर्शन हुए, धरना हुए, रैलियां हुई, उसमें 4 लोग शहीद हुए गए हिंसा में, जिसमें राजेश रावत, दीपक वालिया, बलवंत सिंह जगवान और जयानंद भारती शहीद हुए। तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिए। 3 अक्टूबर 1994 को ही कोटद्वार पौड़ी में भी धरना प्रदर्शन रैलियां हुई और यहां पर भी हिंसा भड़की जिसमें 2 लोग शहीद हुए, पृथ्वी सिंह बिष्ट और राकेश देवरानी। ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। और 3 अक्टूबर 1994 को ही नैनीताल में भी धरना प्रदर्शन हुई, भीड़ बेकाबू हुई और इस उग्र प्रदर्शन रैली में एक व्यक्ति शहीद हुआ जिनका नाम था प्रताप सिंह बिष्ट। तो मुजफ्फरनगर गोलीकांड या रामपुर तिराहा गोलीकांड के विरोध में 3 अक्टूबर 1994 को नैनीताल, कोटद्वार और देहरादून में हिंसक झड़पें हुई, प्रदर्शन हुआ, रैलियां हुई जिसमें कई लोग शहीद हो गए जिनका नाम हमने यहां पर दिया है। आखिरी में जानते हैं 10 नवंबर 1995 को घटित प्रसिद्ध कांड जिन्हें श्रीयंत्र टापू कांड कहा जाता है, जो कि श्रीनगर गढ़वाल में हुआ। तो श्रीयंत्र टापू कांड हुआ था 10 नवंबर 1995 को श्रीनगर गढ़वाल में। इसमें 2 व्यक्ति शहीद हुए थे, यशोधर वैजवाल और राजेश रावत। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। ये उत्तराखंड का मानचित्र है, इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज के इस सत्र में हमने जाना श्रीयंत्र टापू कांड, 3 अक्टूबर 1994 को नैनीताल, कोटद्वार और देहरादून में जो घटना घटी उसमें कौन कौन शहीद हुए, 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर जो गोलीकांड हुआ था उसमें कौन कौन शहीद हुए, 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड में कौन शहीद हुए, 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड में कौन शहीद हुए और 8 अगस्त 1994 को घटित पौड़ी की क्रांति में कौन शहीद हुआ। तो ये थे उत्तराखंड राज्य प्राप्ति आंदोलन के शहीद, जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और उत्तराखंड राज्य निर्माण के इतिहास को समझने की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो बाड़ी मडुआ खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, ये प्रसिद्ध नारा था उत्तराखंड राज्य प्राप्ति आंदोलन के संघर्ष के दौर में। 1990 का जो दशक था उसमें ये नारा उत्तराखंड यानी उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में गूंजता था। तो आपने जाना उत्तराखंड राज्य आंदोलन की गाथा को, शहीदों को नमन उत्तराखंड निर्माण के लिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।